अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। आजमगढ़ के रानी के सराय थाना क्षेत्र के सा खजूरा टेगरपुर निवासी शहीद नागेंद्र यादव उर्फ रिंकू पुत्र गोरख यादव की रविवार को सुबह भटिंडा में तबीयत खराब होने से निधन हो गया। नागेंद्र यादव का बचपन से ही सपना था कि हम देश की सेवा करेंगे। इसी ख्वाब को लिए सेना में भर्ती हुए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। सूत्रों से पता चला है कि नागेंद्र यादव की अचानक तबीयत खराब हुई, जिनका आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था कि लाखों सपने लिए नागेंद्र यादव इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर घर वालों को मिली, घर वाले बेसुध हो गए। सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। शहीद नागेंद्र यादव दो भाई थे, उनके पिता गोरख यादव एक किसान है, छोटे भाई भी आर्मी भर्ती के लिए होने के लिए तैयारी कर रहा है। शहीद नागेंद्र यादव के दो बच्चे हैं। आज किसी से कैसे बात करूं, चारों तरफ गम के बादल छाए हैं। नमन है उन वीर शहीदों को जो तिरंगा ओढ़ के आए हैं। जय हिंद, जय भारत।